सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक न्यू वीडियो के साथ। मैं हूं आपका हमसफर दोस्त विशु और आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे कि आपको अगर रैंक गेम खेल रहे हो, अगर टूर्नामेंट गेम खेल रहे हो, तो गाइस उनमें गाइस आप सभी लोग को कैसे कैरेक्टर के साथ खेलना चाहिए। ऐसे गाइस आज टॉप 5 कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। चैनल पे न्यू हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि ऐसे ही कुछ मज़ेदार वीडियो आपको हमेशा चैनल पे देखने को लिए मिलते रहेंगे। तो चलो फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ते हो और भाई हम देखते हैं कि कौन से कैरेक्टर आप सभी लोग को लेकर अपने गेम प्ले करनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे क्रोनो कैरेक्टर के बारे में, जो गाइस CR7। तो गाइस एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है और गाइस के साथ आप लोग जा सकते हो, एक नंबर कैरेक्टर हो सकता है गाइस। अगर आपको यूज़ करना अच्छी तरह आता है तो गाइस ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसमें गाइस बहुत अलग अलग तरीके की गाइस इसकी एबिलिटीज है, तो आप उनकी एबिलिटी को यूज़ करके गाइस आप अच्छी खासी गेम प्ले बना सकते हो। और गाइस इसकी मूवमेंट स्पीड की बात करें तो 30% गाइस मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर देता है, तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। अदर कैरेक्टर के मुकाबले गाइस ये कैरेक्टर मेरे ख्याल से एक नंबर हो सकता है गाइस। उसके बाद की बात करें तो गाइस यहाँ पे हमारा होगा छोटा कैरेक्टर। तो गाइस ये एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है और गाइस के साथ आपको खेलना चाहिए। अगर आपको आप लोग रस गेम प्ले करते हो और उस टाइम गाइस आपको अगर आप रसर हो तो गाइस इस कैरेक्टर के साथ खेल सकते हो, क्योंकि गाइस इस कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बात करें तो गाइस ये कैरेक्टर SMG और शॉटगन की गाइस अगर आप किल करते हो तो गाइस 40% HP आपको रिकवर कर देगी, और 5 सेकंड के बाद अगर किल करते हो तो फिर से 40 HP की रिटर्न करती है। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर हो सकता है गाइस ये। उसके बाद की बात करें तो गाइस यहाँ पे हमारा मोको होगा। तो गाइस मोको के एबिलिटी के बारे में बात करें तो गाइस मोको एक हैकर है, जो गाइस जो एनिमी को गाइस आप सभी को यहाँ पे डैमेज देते हो, तो गाइस उसका लोकेशन, करेक्ट लोकेशन आपको ढूंढ के देता है कि भाई ये बंदा इधर छुप के बैठा है या फिर वो कहीं भी जाएगा। 5 सेकंड तक आपको मोको अगर आप यूज़ करते होगे तो गाइस आपको करेक्ट लोकेशन दिखाएगा कि भाई ये ही बंदा इधर है या फिर अदर कहीं कोई भी जगह पे वो जाएगा, तो गाइस 100% आपको देखने के लिए मिलेगा अगर मोको यूज़ कर रहे होगे तो। तो मोको भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है और गोल्ड में भी अवेलेबल है। उसके बाद की बात करें तो गाइस यहाँ पे हमारा जोसेफ कैरेक्टर की बात करें तो गाइस जोसेफ कैरेक्टर के जो गाइस खासियत की बात करें तो गाइस ये अगर आप ओपन एरिया में हो तो गाइस अगर आपको कोई डैमेज देता है तो गाइस आप इस कैरेक्टर की एबिलिटी यही है कि गाइस ये अगर डैमेज इसको डैमेज कोई बंदा अगर डैमेज करेगा तो गाइस ये इसकी मूवमेंट स्पीड है उसको 20% बढ़ा देगा। अगर 20% आप भाग रहे होगे तो 20% ज़्यादा भागोगे, तो गाइस ये बहुत अच्छी बात है और गाइस इसके साथ आप जा सकते हो। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कैरेक्टर हो सकता है। तो गाइस इसके जोसेफ को आप एक डायमंड से भी खरीद सकते हो। उसके बाद की बात करें तो गाइस कपिला कैरेक्टर एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर है और गाइस इसकी एबिलिटी की बात करें तो गाइस इसकी एबिलिटी यही है कि आपको अगर आप गेम खेल रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है EP की, HP की। अगर HP नहीं होगी तो गाइस आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो गाइस उसके लिए आप कपिला कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो। गाइस इसकी जो मेडिकेट होती है गाइस 75 की, तो अगर आप कपिला यूज़ कर रहे होगे तो गाइस 95 तक की HP देगी मेडिकेट। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कैरेक्टर है और गाइस इसके साथ आप खेल सकते हो, क्योंकि गाइस अदर कैरेक्टर में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती और गाइस ये आपको रैंक गेम या फिर टूर्नामेंट गेम के अंदर ही बहुत अच्छा काम आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आप इस कैरेक्टर के साथ जा सकते हो। आई थिंक आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, कुछ अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। ऐसे कुछ मज़ेदार वीडियो के साथ फिर से लौटेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल गाइस, जय हिंद, जय भारत।